ड्रामा देखो। राधे राधे आए बेटा। आप बड़े लड्डू गोपाल छोटा है तो बस गाइस यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है श्री बांके बिहारी लाल की। सूरज भैया का कुर्ता फट गया, इस चीज का एहसास आपको होना चाहिए, ठंड का एहसास अब हो रहा है। अंदर हमने मंदिर में एंटर कर लिया। बोलो तेरी एक पायल कहाँ गई? माय बेबी कृष्णा। राधे राधे भैया, बहुत लंबी लाइन है। हरे कृष्णा। ठंड बढ़ती जा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। तो सबसे पहले देखो चीकू को निलाएंगे क्योंकि चीकू जो है हमारा बड़ा बेटा है और वो थोड़ा शैतान है, तो सबसे पहले उसको निलाते हैं। और तब तक हमने यहाँ पे बना लिया है हमारे अयानू के लिए सेरेलेक। तो पहले सेरेलेक खिला देते हैं अयानू को, फिर चीकू को निला देते हैं, फिर अयानू को निला देते हैं, फिर हम सारे नहाते हैं और रेडी होते निकलते हैं मंदिर के लिए। खशीडू होगी, खशीडू टेस्टी वो ऐसे का मुगलम बने तो खा के देखा, बहुत टेस्टी है। ये तो इतना टेस्टी है मैं चाला खा जाऊंगा। तो आप ऐसे मुंह बनाई। चल रही है रूम की क्लीनिंग और साथ में अयानू का ब्रेकफास्ट करते हैं। बच्चे अच्छे से ब्रेकफास्ट, फुरफुर नहीं करना बिल्कुल भी। फुरफुर करोगे तो मम्मा खिलाई खिलाई नहीं करेगी। वो देखो पूरा बेड साफ हो रहा है आपके लिए, पूरे बेड पे खेली खेली करना, फिर खाई खाई करके। ओहो 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 ड्रामा देखो। तो मैंने पानी की जो बाल्टी है वो भर दी है। चीकू बाहर खेल रहा है, चीकू को सबसे पहले नहलाती हूँ। चीकू आओ नहलाऊं, जल्दी आओ, चलो फास्ट। चीकू को मन नहीं कर रहा, देखो ऐसे सैड सैड आ रहा है। जल्दी आ चीकू, नहा कर हमें जाना है मंदिर। बेटा क्या हो गया? यहाँ से एंट्री करूंगा। नहीं नहीं बेटा यहाँ से नहीं, ऐसे लग जाएगी। तो भाई हमारे कृष्णा जो है हम कृष्णे की धोती लेना भूल गए हैं। तुम्हारे कृष्णे ने कुर्ता पहना है, देखो जी ग्रीन कलर का मोर पंखी, अच्छा लग रहा है ना। बस धोती रहेगी, धोती हम इसके रास्ते में ले लेंगे। चीकू गया नहाने, इसको बैठा तू। चीकू नहालेगा, फिर गोलू नहालेगी, फिर मैं, फिर तू। तुम लोगों ने तो ली नहीं, सूरज ने तो ली है, देखो कितनी प्यारी धोती है। धोते का अंदर से चिल्ला रहा है चीकू, ये लो ले लो। फैल जाएगा पर रूम की हम टेंशन नहीं लेंगे, हम आने की बात करेंगे सफाई क्योंकि टाइम निकल जाएगा फिर हमारे दर्शन के लिए। तो हम पहले अपना रेडी वेडी होके हम लोग निकलते हैं, रूम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे अयानू को तो है मैंने कुर्ता पहना दिया, इसको निलाया नहीं है क्योंकि देखो मैं इसको अभी बाहर लेके आई हूँ तो मैं निलाने का रिस्क नहीं ले सकती, और बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। तो बस इसका डायपर वगैरह चेंज कर दिया है, इसको कुर्ता पहना दिया है, धोती इसके रास्ते से ले लेंगे। यहाँ पे ना अयानू का सारा सामान जो जो उसे चाहिए ना रास्ते में मैंने सब ले लिया है। गोलू कंबल ले लियो अयानू के लिए, ठीक है, और मैं कुर्ता भी ले लेती हूँ एक्स्ट्रा। अगर वो इनकेस गंदा कर देगा ना तो उसे चेंज कर देंगे कुर्ता, ठीक है। मेरा बोलती तूने बंद करा दिए गोल के लड्डू से, इतना टेस्टी लड्डू, इतना टेस्टी लड्डू है ना, बहुत प्यारा लड्डू बना है सच में। राधे बुला रहे हैं। हाँ जी विष्णु, कृष्णा आ रही हूँ। राधे राधे आए बेटा। तो ये गुण का लड्डू पूरी टीम को दिया है, गिपी भैया, सूरज भैया, केशव भैया, टिंकू भैया, सबको। मैं कह रही हूँ पालो, जो तू बड़ा डब्बा लेके आती ना गुण का लड्डू, ये पूरी ट्रिप पे खत्म हो जाता। अब पिछली बार हम लोग वो पंजीरी वगैरह लेके आए थे ना जो बाहर से लिए, वो किसी ने नहीं खाई, वो कल डब्बा खत्म हुआ ना, और ये वाला अभी आने तक खत्म हो जाएगा। चलो एक चीज लाती हूँ, ये भी खा रहा है लड्डू। लड्डू खा रहा है कृष्णु। चलो राधे राधे बोल। राधे राधे। चलो राधे राधे। जी को धोते छोड़ के चल बेटे, पूरी धोती है उठा रखी, नीचे से पजामा दिख रहा है। एक सेकंड, हमने भी पजामे पहने के, ठंडे भाई ठंडा, सच में बहुत ठंडा भाई, इतनी ठंडी है हम ऐसे भी चल सकते हैं। पर देखो फैशन के तौर पे ना आप तबीयत को खराब नहीं कर सकते, इसलिए हमने साथ में सेफ्टी के लिए शॉल रख लिया। हमारे लड्डू गोपाल और लड्डू गोपाल जॉब कर लो भाई। आप बड़े लड्डू गोपाल है छोटा है? चलो आपको कृष्णु नहीं है मेरे? तो बस गाइस यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। आप भी पीछे बैठ जाओ। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। जय बोलो अयानू जय। यार बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। माँ। हाँ जी बाबू। माखन क्या होता है? माखन जैसे घी होता है ना घी, हाँ। ऐसे घी बनने से पहले मक्खन बनता है, जो लस्सी दही को जमा के लस्सी बना के ना उसमें से घी निकल, बहुत टेस्टी होता है, व्हाइट कलर का, उसे मक्खन बोलते हैं। आपने मक्खन को त्याग के उसे देसी घी बनाते हैं, तो उसको मक्खन खाया आपने शायद? माखन खाया तो व्हाइट व्हाइट। चलो एक काम करती हूँ भैया, आज हमें फ्रेश माखन खिलाना। तो गाइस बस निकल चुके हैं और 2 मिनट में पहुंचने वाले। पहुंचने से पहले सूरज भैया का कुर्ता फट गया, तो सूरज भैया को धुलवाना है कुर्ता। और हमारे अयानू की धोती हम भूल गए थे, तो अयानू की धोती ले ली है। कुर्ता उसने मैन रखा है, देख रहा है, देख रहा है मेरी बात हो रही है। हाँ जी आप ही की बात हो रही है, तो इसको दिलानी है धोती, क्योंकि इसकी धोती नहीं लेके आए थे, बोला था भैया को देना भूल गए। धोती लेके फिर जाएंगे हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए, और आप लोगों को कराते हैं हमारे साथ साथ दर्शन। तो हुआ ये था कि पायल ने बिल्कुल भी ना अपनी नथ नहीं पहन रही थी, बोलो तो मेरे को जबरदस्ती अपनी नथ पहना कराई, क्योंकि ये वाली जो नथ है ना ये पहनी थी पायल ने, तो मैंने पायल से ले ली क्योंकि मेरी जो नाक है ना वो मोटी है, और मैंने इसको थोड़ा खींच के ना अपने
नाक के हिसाब का कर दिया, और जो दूसरी नथ थी ये इसमें तो मेरी नाक घुसती ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल से पालने पहनी है। तो मैंने अपनी नथ इसे दे दी और ये गंदी वाली नथ मैंने ले ली। इतनी गंदी नहीं लग रही, मैंने फोटो खींच के ना चिकू के पापा को भेजी, क्योंकि उनको वीडियो कॉल करा था, शायद नेटवर्क इशू है ना, वीडियो कॉल लगी नहीं थी, तो मैंने फोटो भेज के उनको दे दिया। मैंने कहा फोटो एटलीस्ट देख ले कैसी लग रही है, हटा के ज्यादा सही लग रही है। पहन ले, नहीं पहन ले, तो ये वाली धोती ली हमने आयान के लिए। चिकू आपकी धोती गंदी हो गई क्या? बोलो अभी अभी नहीं, अभी अभी ये आपको ये एहसास होना चाहिए कि मम्मी जब चीज लाती है और मम्मी मना करती है किसी चीज के लिए, तो वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए, इस चीज का एहसास आपको होना चाहिए। चलो ये भैया यहीं पे बदलने लग गए। भैया एक बार इसके लिए धोती दिखाना, इधर आजा इधर आजा, मैं पहना दूँ। ये तो बहुत बड़ी है भैया, इतनी बड़ी है। ये देखो ये वाले देखते हैं आती है कि नहीं आती, अगर ये आ गई तो परफेक्ट 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 ठीक है। फाड़ मत दियो भाई प्लीज, अभी तो पता लगे रास्ते में फाड़ दे तू। ठंड का ऐसा सब हो रहा है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, बस एक बार मंदिर में पहुंच जाए, दर्शन कर ले। यही धोती बना रहे थे, आगे धोती बनाने का टाइम मिलेगा नहीं। इतनी सुंदर धोती लाई हूँ मैं आपकी, ये जुंदा जुंदा धोती, पूरा हीरो हीरो बाबू बनेगा। टोपू के साथ मैचिंग मैचिंग। तो गाइस हम लोग पहुंच गए, अपनी जो गाड़ी है हमने पार्किंग में खड़ी कर ली है। तो यहाँ से प्रेम मंदिर कितना दूर है? 500 मीटर। और सच में बहुत ठंड है, और देखो आयान यहाँ पे क्रैक्स खाता खाता फुल एंजॉय करता हुआ जा रहा है। तो अभी ना यहाँ से ना मतलब कि जितने भी लोग निकल रहे ना, सबको मैं राधे राधे बोल रही, इतना अच्छा लग रहा है ना पायल, और सब मतलब बहुत प्यार से बोल रहे हैं, मजा आ रहा है पाल। सच में यार वहाँ की ठंड और यहाँ की ठंड में थोड़ा बहुत ही फर्क है, ठंड ठीक हो। आगे चलो, ज्यादा ठंड होगी तो स्वेटर ले लेंगे हम। ये सब छीन के ले जाते हैं क्या? ये टोपे भी ले, बच्चा तो नहीं लेंगे, टोपा तो मैं नया खरीद लूंगी, बच्चा तो मेरा नहीं लेके जाएंगे, टोपा तो नया ले लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले यार, मैंने ना पाइक बड़ा ज्यादा चलाक काम किया बंदर के साथ। क्या क्या तू बता, क्या किया? क्या किया? मैंने बैग अंदर छुपा लिया। अच्छा, बंदर को नजर ही नहीं आएगा, बैग तो छोड़ क्या करेगा। पायल सब लड्डू गोपाल जी को लेकर आए अपने। चलो 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 पाल, देख इनके पास वो है ना छमछम जो हम लेकर आए थे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, एक दो तीन चार, जोर से बोलो जय जयकार। मैंने नया बनाया था, एक दो तीन चार कन्हैया तेरी जय जयकार। हाँ ये भी अच्छा ना। हाँ ये भी अच्छा। तूबा होती तो मैं तूबा के लिए डॉल लेती, पर तूबा आई नहीं है, तो तूबा के लिए लेके जाएंगे यहाँ से डॉल। तो आज ना जैद का बर्थडे है और पापा का फोन आया कि वो जैद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज ना मैं पायल को सुबह बोल रही हूँ, मैंने कहा जैद ना 8 महीने का हो गया है। 9 महीने पायल बोल रही हूँ, पायल मुझे कहती गोलू 9 महीने का हो गया पूरे। तो अगर जैद आप मुझे सुन रहे हो, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे जैद, लव यू, हैप्पी बर्थडे जैद, लव यू। भैया मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे यहाँ पे सिर्फ राधे राधे बोलते हैं, तो कृष्ण जी का नाम? कृष्ण जी पहले नहीं है, पहले राधा रानी को बुलाओगे आप ना, तब कृष्ण जी आएंगे। अच्छा, कृष्ण कृष्ण करोगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, राधे राधे पहले कर दोगे तो राधे बोलेंगी उनको, जाओ तुरंत जाएंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे सूरज भैया ने भी एक बात बताई कि जब भी आप माला फेरते हो ना, तो माला में 108 मोती होते हैं, और अगर 108 मोती में लास्ट में राधा आती है तो आपकी एक माला पूरी हो जाती है। और कृष्ण जी ने भी ये बोला था कि जब भी कभी मेरा नाम लिया जाएगा ना, तो सबसे पहले तुझे पुकारा जाएगा, है ना? ऐसे कुछ भाई, राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, तो इसलिए सब बोलते हैं यहाँ पे वृंदावन में राधे 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 राधे। नो फोटो नो वीडियो लिखा है 5,000 रुपीज। तो भाई अंदर हमने मंदिर में एंटर कर लिया, अब हम अपने जो जूते चप्पल है वो रखवा देते हैं, उसके बाद जाते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। हमारे साथ आप भी दर्शन करना, कैमरा ले जाना अंदर अलाउड नहीं, इसलिए हम फोन से व्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर वॉइस थोड़ी क्लियर ना हो तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो तेरी एक पायल कहाँ गई? हाँ एक पायल, अच्छा अटकी हुई है ऊपर। कहाँ कहाँ? ऊपर अटकी हुई, ऊपर अटकी हुई। अच्छा चलो, तो देखो वहाँ पे कन्हैया जी है ना, बाल गोपाल, बाल गोपाल है, अपनी मम्मी के साथ है। और देखो वहाँ पे माखन है, आप कह रहे माखन के वो होता है माखन, ठीक है? वो जो घड़े में से गिर रहा है पायल, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, इसे सेफ्टी कर रखी है तेरी? मेरी सेफ्टी कर रखी है, अपनी कर रखी है। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। अंदर एक लेडी है ना, तो वो उसको बोल रही है हेलो माय बेबी कृष्णा, राधे राधे। चलो भाई चलो चलो, कृष्णा बहुत हैप्पी है, कान्हा जी के पास आके चलो 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 चलो। पीछे हमें एक सब्सक्राइबर मिले और वो बोल रहे थे कि ना आप यूट्यूब पे बहुत मोटे लगते हो, रील बहुत पतले हो। मैंने कहा जितने भी लोग हैं, नमस्ते जी, नमस्ते सबको, नमस्ते भैया। बहुत लंबी लाइन है, हम पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल।
वाह गोलू मैं तो पहली बार आई हूँ, इतना सुंदर है। देख ना कान्हा जी छोटे देखो कान्हा जी को ना मैया ने पेड़ से बांधा हुआ है, क्योंकि वो बहुत शैतानियां करते थे ना, तो मैया उसको उनको ना पेड़ से बांध के उनको ना पनिशमेंट देती थी, जैसे मैं आपको पनिशमेंट देती हूँ ना कभी कभी ऐसे ही। और ये देखो यहाँ पे देखो कान्हा जी ने ना बहुत बड़ा एक वो था कालिया नाग था, उससे पानी को पूरा जहरीला करके ना लोगों को मारना शुरू कर देता, तो उसको ना वहाँ से निकाला था कालिया नाग को। तो ये वो प्रमिति है, ठीक है चलो आगे। ये गोवर्धन एक वो है गोवर्धन पर्वत, वहाँ क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ना बारिश बाढ़ जैसा आ गया था, तो लोग ना वहाँ पे गोवर्धन पहाड़ है जिन्होंने अपनी एक उंगली पे उठाया था, कृष्ण ने सब लोगों को बचाया था, बचाने के लिए एक उंगली पे उठाया था और सब लोग इसके नीचे पूरा गाँव बचा था। वृंदावन में सुन रख गाँव में काली देह पर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो गाइस ये है बलराम जी और कृष्णा जी का मंदिर, यहाँ देखिए उनके दो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। डांस नहीं होता रोज? रोज नहीं होता। क्यों? वो कभी कभी होता है, हम करेंगे तो करने लग जाएंगे लोग। हाँ वैसे उनका मन है। तो हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर, अभी हम आए थे इस्कॉन मंदिर, अब हम जाएंगे प्रेम मंदिर दर्शन करने। और ये सो गया है, इसको उठा नहीं रही हूँ, वहीं जाके उठाऊंगी, यहाँ तो दर्शन हो गए। तो यहाँ पे प्रसाद में खिचड़ी मिलती है और मेरा अयानू खाता है सिर्फ ही खिचड़ी, तो मैं अपने अयानू के लिए ले रही हूँ यहाँ का प्रसाद। प्रसाद खाना तो खा लेगा भाई। ये काम करो, तुम लोगों ने किसी ने भी कुछ खा नहीं रखा है, पहले तुम लोग कुछ खा लो। चलो यहाँ से खा लो, ये पाव भाजी खा लो, छोले कुलचे खा लो, आ जाओ आ जाओ। मुझे खाने, मुझे खाने। किसको क्या खाना है? पाव भाजी छोले कुलचे क्या खाना है भाई? मुझे छोले कुलचे। यहाँ पे चिंकू के पापा का फोन आ गया है, वो भी वहाँ पे खा रहे हैं, हम भी यहाँ पे खा रहे हैं। हाँ जी सब खा रहे हैं यहाँ पे, हम छोले कुलचे खा रहे हैं, वो भी यहाँ पे खा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा खा के। एक कुलचा खाया है भवानी, तू खा ले। मिल जाएगी, मैं दिला दूंगी आपको। मिल जाएगी भाई मेरे, मिल जाएगी भाई। ठंड बढ़ती जा रही, तो हम सोच रहे घर जाके है ना अपने गर्म कपड़े पहन के फिर जाएंगे। कम से कम भले पापड़ी खा ले, मेरे को नहीं खाना। चलो पहले चेंज कर लेते घर जाके, फिर गुटकी उड़की गुटकी को खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी मेरी गुटकी नहीं अटक जाएगा, मेरी छोटी सी गुटकी पाल दे। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे बोल बोल, राधे राधे बोल। चलो चलो अब हम पहुंचने वाले हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर पहुंचने के बाद अभी हमें बाके बिहारी मंदिर भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ बाके बिहारी मंदिर हम कल चलेंगे, आज प्रेम मंदिर चल के फिर खाना पीने का भी कर रहा है इंतजाम। यान ना यहाँ पे मार्केट देख के कर रहा है वाव है नो वाव, और एंजॉय कर रहा है, रो नहीं रहा है। अगर घर में होता ना तो अभी रोता भी सब कुछ होता। तो भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे भक्तों की भीड़ है। तो भाई जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए हैं, और सच में बहुत सुंदर मंदिर है प्रेम मंदिर, बहुत सुंदर अति सुंदर इस्कॉन मंदिर प्रेम मंदिर। बाकी भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो भाई हमारे पीछे आपको बहुत ही प्यारा नजारा दिख रहा होगा, ये देखो कृष्ण भगवान घूम रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, पूरा गोकुल इधर ही है। आपको अच्छा लगा? हाँ अच्छा ही कह रहा है। इसका नाम कृष्ण है ना, इसको पता है कृष्ण यहीं पे था, सबको यहीं पे था कृष्ण। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सुंदर दृश्य मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे एक दृश्य बनाया है गोवर्धन पर्वत वाला, जो कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे पर्वत उठाया था। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। खाओ बेटी प्रसाद खाओ, बाबा जी का आपके लिए लाया है। बच्चा खा रहा है बहुत देर से, इसने दूध भी काफी टाइम पहले पिया था। किस्मत होती है भाई, प्रसाद मिलता है किस्मत है, इसकी किस्मत है इसको मिला है। तो हम पहुंच गए, चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में, आजिए मेरे साथ चलिए। वाह बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा प्यारा नजारा है। जय 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 कन्हैया लाल की, मेरा बाबू जय। चीकू को गोदी उठाया गिप्पी भैया ने, और दर्शन करवा रहे कृष्ण जी के।
जय कर दो। प्रेम मंदिर जो है इन गुरु जी ने बनाया था, तो इनके भी दर्शन कर लो आप। तो इनका नाम है श्री जगत कृपालु महाराज जी, इन्होंने ही इस पूरे मंदिर का निर्माण किया था। ये हेलीकॉप्टर दो इसे चल ला के दिखाओ उसे। क्या बन के आई थी और क्या बन गई, क्योंकि चीकू के साथ चल रही हूँ। थैला लेना पड़ा क्योंकि बहुत सारा सामान है हमारे पास, यहाँ पे अभी थैला खरीदा है। और यहाँ पे सच में मुझे लगता है हर दिन यहाँ पे ऐसी चहल पहल, ऐसी भीड़ भाड़ रहती है हर दिन, ऐसा लग रहा है मुझे। पाल क्या कर रही है तू? नहीं नमक तो डालेगा। क्या कर रही है तू? आयान के लिए पराठा बनवा रही हूँ, छोटा सा छोटा सिंह। तू खुद बना ले जाके? नहीं भैया बना देंगे। बहुत प्यारा पराठा बना रहे भैया, छोटा सा आयान के लिए। तो यहाँ पे है प्लेन मेथी का पराठा खाऊंगी मैं, है ना, मेथी मसालेदार होती है ना। मिर्ची उर्ची मत डालना। अरे पायल सुन, नहीं मिट्टी नहीं है, अलग से नहीं है पनीर, राइस पता नहीं भैरी तो नहीं है, मंगा लो अलग। पायल हाँ सही है, पायल मेथी का पराठा दिखाइए कौन कौन सा है। यहाँ पे है मूली का पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, मेथी बथुए, मेथी बथवानी है यार, मुझे वही खाना था। तो गाइस क्या बन के गए थे और क्या बन के आए हैं? ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो एक्सट्रीम ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो मुझे रात को भी नहीं लग रही थी, इतनी अब लग रही है, बहुत ही ज्यादा। अगली बार ना ठंडी की जगह इसको भेजूंगी, पता लगेगा ठंड का इसको। नहीं नहीं बहुत गंदी, वहाँ तो इतनी गंदी ठंड थी वही जहाँ हम गए थे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी उसका 1% भी नहीं है, ये ठंड थी। क्या दिखता था ये तो मैंने यहाँ पे कुर्ता डाला वहाँ पे ना, इसकी जगह 50-100 डाल लेता ना तो भी ऐसे जुटता था मैं। इससे पूछो ना ये जैकेट वैकेट डाल के कितना जुट रहा था ये। बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा। अब मैं ना देखो वही है ना, जब तक इंसान ना मरता नहीं ना उसको पता नहीं चलता मरने के बाद क्या होता है, तो इसलिए अभी तक मुझे पता नहीं। कहावत देख लो, कहावत क्या होती है इसकी। तो प्रेम मंदिर में हो गए हमारे दर्शन, अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आयान को आ रही है नींद, और कल करेंगे हम आप सबको अपने साथ कराएंगे बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के दर्शन। तो इस वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। और ये अरमान जी की स्नैपचैट आईडी है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके स्नैपचैट पे सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको जो है डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। बाय बाय गाइस।